अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं छत के ऊपर आ चुका हूँ गाइस। और आज आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी मज़ेदार। चैनल को मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करिए, बहुत मस्त मस्त चीज़ें आने वाली हैं। आपको मैं पहले देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे दरबे वरबे बन चुके हैं गाइस, यहाँ पे दीवारें उठ चुकी हैं, एक तो तैयार भी हो गया पूरा। यहाँ पे अभी छत पड़ेगी थोड़ी सी जब मिस्त्री आएंगे। ये तो मैंने खुद डाल दी थी, मुझे अभी ज़रूरत थी, एक काम था मुझे, उसकी भी वीडियो मिल जाएगी आपको। फिर इसके ऊपर यहाँ पे पड़ जाएगी और एक दीवार व्यवहार जो होगी, और यहाँ पे जाली का दरवाज़ा मैं अभी लगा दूंगा टेम्परेरी, क्योंकि बिल्ली आती नहीं। यहाँ पे कुछ रख के ऐसे लगा दूंगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कुछ लगा दूंगा एंड लग जाएगा फ़ायदे से। और माशाल्लाह सब कुछ बन गया है। और यहाँ पे आपको मैं कुछ कबूतर वबूतर बच्चे अच्छे भी तैयार हुए वो दिखा देता हूँ। कहाँ गया है वो बच्चा? हमदाई बाहर ही घूम रहा था गाइस। एक बच्चा पता नहीं अंदर भाग गया भाई, ये भाग गया भाई। ये रहा क्या हुआ आग पे यार तुम्हारी? अच्छा गाइस कुछ नहीं हो गई। ये बड़ा तेज़ बच्चा है गाइस, इस ये माशाल्लाह अपना बच्चा गाइस एक निकला लसरी जर्चे का गाइस। इसको मारा है क्या किसी ने यार? मारा है क्या? पता नहीं गाइस किसी ने मारा है या नहीं मारा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सही है पूरा प्रॉपर तरीके से। ये अपने लल सरे जर्चे कबूतर का बच्चा है गाइस माशाल्लाह। और इसने फिर अंडे दे दिए, ये गाइस बड़ा तेज़ बच्चा है। ये देखिए गाइस फिर अंडे दे दिए। आपको सारे ब्रीडिंग वाले कबूतर के बच्चे अच्छे भी दिखा देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ आपको बच्चे अच्छे दिखा देता हूँ कुछ। ये बंद करूँ पहले, बच्चे अच्छे दिखा देता हूँ कबूतर। तो गाइस वो देखिए एक भाई के कबूतर भी उड़ रहे हैं गाइस। कहाँ गए यार मुझे नहीं दिख रहे। ये रह गाइस दो कबूतर, ये काफ़ी अच्छा उड़ते हैं। इसके यहाँ ये हरी वाली कबूतरी जो सामने सामने उड़ रही है, ये काफ़ी ऊपर जाती है, अच्छा उड़ती है, पकड़ी थी इसने। और बाकी मेरे ये बैठे तिरंगे वाले कबूतर उड़ाते हैं अभी। ये रहा गाइस अपना जोजो गाइस। जोजो जोजो का शौक नहीं करा है हम लोगों ने गाइस। जोजो चूजों को बड़ा तंग करता है। यह मुर्गा गाइस अपना माशाल्लाह बड़ा हो चुका है, ऊपर आ गया है। अभी तो आपको कुछ नहीं दिखाएंगे कायदे से, काफ़ी मुर्गे मुर्गियाँ अभी बड़े हो गए हैं। जब गाइस ये बड़े बड़े हो जाएंगे कायदे से, ये मुर्गा जब ये कायदे से बड़े हो जाएंगे तब आपको प्रॉपरली दिखाएंगे। एंड गाइस कल मैं आपको तिरंगा कायदे से दिखा नहीं पाया था माशाल्लाह से। ये तिरंगा अपना माशाल्लाह लहर रहा है सही, ये लगा है गाइस। और आपको आगे एक चीज़ एक और व्यू दिखाते हैं, बड़ा अच्छा व्यू लग रहा है माशाल्लाह। वो भी वहाँ पे ढेर सारे तिरंगे लगे गाइस, एक ही पास आपको दिखाता हूँ। इतना जूम होएगा नहीं गाइस? तिरंगे अगर आपको दिखें गाइस, दिख रहे हैं गाइस, ये ढेर सारे तिरंगे झंडे लगे हैं एक ही साइड पे और बाकी सब एरिया में लगे हैं गाइस। ये लगा एंड एक वो लगा मेरे यहाँ, ये लगा गाइस। एंड अपने तिरंगे वाली कबूतरी गाइस, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर वीडियो आ रही होगी, देख ली है। और आपको क्या है यार, मैं कांप गया गाइस, पानी गिरा हुआ, मैं डर गया। मैंने कहा कबूतर हो जोजो के ऊपर तो पैर नहीं रख दिया मैंने। अब गाइस आपको अंदर दिखाते हैं बच्चे जो निकले हैं गाइस, कुछ बच्चे निकले। और बारिश भी हुई थी अभी, मैंने जाल साफ कर दिया गाइस। बच्चा दिखा, ये कबूतरी बैठी है, इसको पहले उठा लेते हैं कायदे से। ये गाइस बच्चा एक बैठा है गाइस, आपको दिख रहा होगा। और ये एक मोहम्मदी वाले कबूतर के नीचे बच्चा है गाइस। ये रहा गाइस दिखा, ये रहा गाइस। एंड गाइस ये रहे कबूतर कुछ, और ये रहे सारे। ये एक बैठे मुखी अपना मुखी कबूतर सबसे पुराना, एक साल गाइस। और गाइस ये अपना कलचुच्चा पट्ठा भी पूरा परिंद हो रहा है धीरे धीरे। ये पहले चढ़ाऊ पंती करता था, अब इसके परवर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप परवर आ रहे हैं इसके। ये भी मस्त तरीके से अंदर घूम रहे हैं। चलिए गाइस सब बढ़िया है। और गाइस कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ये कैसा लगा। और इसमें हम लोग कुछ में मुर्गियाँ रखेंगे एंड कुछ में बाहर खुले रहने वाले कबूतर। बाकी इस पेटी में अभी इस कबूतर ने अंडे नहीं दिए, किसी कबूतर ने अंडे नहीं दिए। अपना शिराजी नहा धो के बैठे हैं, शिराजी भी काफ़ी पहले से बेहतर है। और सारे कबूतर अपने अल्लाह के करम से सही और एक्टिव है। और आपको एक कबूतरी का मैं शौक कराता हूँ, ये काफ़ी साफ़ सुथरी हो गई है। इसका अब आपको मैं एक बार शौक करा देता हूँ, इसका शायद मैंने कराया हुआ है मगर एक बार और करा देता हूँ। ये कबूतरी है गाइस वाइट आइज में गाइस, पंजाबी कबूतरी गाइस, जिसका भी आपको एक लल से बाहर वाली पेटी में बच्चा दिखाया था वो इसी का है, मतलब इसका नहीं है, मतलब इसके साथ दूसरा कबूतर लगा था। ये पंजे इसके गाइस। एंड गाइस ये कुछ इसके पर हैं गाइस, इसके पर अब बड़े टाइम बाद आ रहे हैं, वरना इसके पर आते थे टूट जाते थे,
उड़ाया है मैंने से और हिली भी काफ़ी है। और गाइस ये कबूची की आँखें, ये कुछ कबूची है, अब पर आ गए उड़ने उड़ने भी लगी हल्का फुल्का। तो गाइस जब मौसम गाइस थोड़ा बरसात वाला होता है कबूतर हल्का फुल्का भीग जाता है तो काफ़ी सुस्त बैठ जाता है, जैसे उस टाइम पे काफ़ी कबूतर सुस्त सुस्त बैठे हैं जाल के अंदर। ये अभी थोड़ी धूप वूप निकलेगी खुद मस्त हो जाएंगे, अभी सारे कबूतर सुस्त बैठे क्योंकि ये जाड़ा लगता है इनको थोड़ा, ये भीगे होते हैं तो ये सुस्त हो जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं, कबूतर थोड़ा सुस्त हो ही जाता है। अभी धूप निकलेगी तो सब सही हो जाएंगे, और जाड़े में अगर ये सुस्त नहीं होते हैं क्योंकि जाड़ों में बरसात नहीं होती इतनी तो ये ज़्यादा सुस्त नहीं होते, मस्त रहते हैं। और जाड़ों में इंशाल्लाह हम लोग ऐसा कर देंगे कि जाल से निकालेंगे नहीं और ऊपर से जाल मतलब बिल्कुल कर देंगे सही। जो पानी पी रहा है वैसे जो पानी पी रहा है बड़ा कम दिखता है, लगता था कि खरगोश पानी नहीं पीते, अब तो खरगोश पानी भी पीती है। जो जो मस्त अपना खुला रहता है दिन भर, बंदी नहीं करते इसको, अब इसको लगा देते हैं ना कौए बड़ा सा। मैंने आपको सब दिखा दिया गाइस कि क्या क्या बन रहा है, एंड गाइस जल्दी जल्दी सब कुछ बन जाएगा तो आपको मैं कायदे से दिखा भी दूंगा। और गाइस इसमें मुर्गी उर्गी सब जब ऊपर रख लेंगे तब काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी कि मुर्गी भी ऊपर हो जाएंगी, सारा कुछ ऊपर हो जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, मस्त तरीके से कबूतर बिल्कुल कबूतर मुर्गी उर्गी सब खुलेंगी टाइम टू टाइम, एंड सबको खुला करेंगे, सबको सीरियल वाइज दिखाया करेंगे कायदे से आपको। और कबूतर बूतर भी भटके आ रहे हैं गाइस, अपना फुलसरा भागा था वो आया ही नहीं गाइस, लगा था आ जाएगा, और जिन भाई के पास था उन भाई ने मतलब कुछ सीन नहीं बना था उनसे, तो उनसे मैंने फुलसरा लिया भी नहीं था, एंड गाइस वो कबूतर आया ही नहीं अपने पास, तो अब क्या कर सकते हैं, अपना कबूतर था मगर वो चला गया, काफ़ी अच्छा कबूतर था। और इंशाल्लाह अगर जिसके पास भी होए सही सलामत अगर हुआ तो इंशाल्लाह उड़ेगा तो वापस तो आ ही जाना है अपने फुलसरे कबूतर को, जो पुराने भाई हैं वो तो जानते होंगे। बस गाइस यही था आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा क्योंकि काफ़ी मज़ेदार मज़ेदार वीडियो आने वाली हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।